हेलो दोस्तों हम में से कई सारे स्टूडेंट फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स एमबीबीएस बी सिलेक्ट करते हैं लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एमबीबीएस की जो फीस होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस में नाइन्टी फाइव लाख रूपीज की होती है एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी पच्चीस लाख रूपीज की होती है तो दोस्तों इतनी बड़ी अमाउंट की फीस एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट कैसे पे कर सकता है तो दोस्तों उसका जो सपना होता है डॉक्टर बनने का वो सपना ही रह जाता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ ही करने की जरूरत नहीं है आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस करके भी डॉक्टर बन सकते हो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के जरिए आप पशु एंड प्राणियों के डॉक्टर बन जाओगे और दोस्तों पशु एन प्राणी के डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा अमाउंट की फीस भी नहीं देनी पड़ती और दोस्तों ये कोर्स करके आप अपनी लाइफ सेट भी कर सकते हो तो दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में नॉलेज दूंगा कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस क्या है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हो वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है क्या एजुकेशन लेना पड़ता है इस कोर्स को करने के लिए कितने रूपीज की फीस देनी पड़ती है कोर्स कर लेने के बाद आपको कितने रूपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है और आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ की वेटरनरी साइंस एमबीबीएस के कम्पेरिजन में काफी बेहतर और अच्छा कोर्स है इसमें कमाई भी अच्छी है फीस भी कम है और दोस्तों यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है तो चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के बारे में फुल डिटेल्स में तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस क्या है और इसके अंदर हमें क्या सिखाया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बी का फुल फॉर्म बैचलर इन वेटरनरी साइंस होता है और बैचलर इन वेटरनरी साइंस का कोर्स एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है इस कोर्स को कर लेने के बाद आप एक पशु के डॉक्टर बन जाओगे और इसे वेटरनरी डॉक्टर भी कहा जाता है वेटरनरी साइंस ह्यूमन मेडिकल साइंस की तरह ही है बस इसमें हम लोग जानवरों का इलाज और उनको होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते है यानी प्राणियों में होने वाली बीमारी का इलाज कैसे करना है और जानवरों इलाज करने के तरीके के बारे में सिखाया जाता है वेटरनरी कोर्स मेडिकल क्षेत्र में काफी अच्छा और ग्रोइंग करियर ऑप्शन है क्योंकि आजकल सब लोग अपने घर में एक पेट रखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो दोस्तों ऐसे में वेटरनरी डॉक्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे खुद के घर में ही टफी नाम का एक डॉगी है जो हाल ही में अभी बीमार पड़ा था तो दोस्तों मैंने तुरंत मेरे डॉगी को एक वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके गया था तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर जाने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ कंसल्टेशन की ही फीस फाइव हंड्रेड रूपीज लेते हैं बाकी इलाज एंड मेडिकल का खर्च अलग होता है तो दोस्तों इससे ही आपको पता चलता है कि कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कितने रूपीज की कमाई हर महीना कर सकते हो और दोस्तों ये वेटरनरी साइंस का को जो कोर्स होता है ये कोर्स पांच साल का होता है और दोस्तों जैसे आपका ये कोर्स कम्प्लीट हो जाता है तो दोस्तों आपको तुरंत वेटरनरी डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है और इस कोर्स को कर लेने के बाद आप वेटरनरी डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हो और दोस्तों आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का ये जो कोर्स होता है ये मेडिकल फील्ड में सबसे सस्ता कोर्स है तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है क्या एजुकेशन लेना पड़ता है उस कोर्स को करने के लिए कितने रूपीज की फीस आती है एंड ऑल तो दोस्तों वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए आपको बारहवीं पास करनी है साइंस की स्ट्रीम से साइंस की स्ट्रीम से बारहवीं पास करते समय ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन होना चाहिए अगर दोस्तों आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं लिया है तो दोस्तों आप वेटरनरी साइंस का कोर्स नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको बारहवीं पीसीबी सब्जेक्ट के साथ ही पास आउट करनी है बारहवीं पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ पास कर लेने के बाद आपको मिनिमम बारहवीं में 55 परसेंट के ऊपर मार्क्स आने चाहिए तभी दोस्तों मोस्टली कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देते हैं और दोस्तों बारहवीं पास कर लेने के बाद आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम देनी है ताकि आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ये तीनों कंडीशन अगर आपकी कंप्लीट होती है तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में वेटरनरी साइंस का कोर्स कर सकते हो तो दोस्तों आइए वेटरनरी साइंस के कोर्स के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि वेटरनरी साइंस का जो कोर्स होता है ये फाइव इयर्स का कोर्स होता है और दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको हर साल कॉलेजेस को 30 से चालीस हजार रूपीज की फीस देनी होती है यानी ये कोर्स पाँच साल का होता है तो दोस्तों इस कोर्स की फुल फीस डेढ़ लाख से दो लाख रूपीज तक की होती है जो एमबीबीएस के कम्पेरिजन में काफी कम है और दोस्तों वेटरनरी साइंस का कोर्स कर लेने के बाद आपके सामने जॉब की लाइन लग जाएगी अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइंस की स्ट्रीम से और इसके बाद आपने सोचा है कि फ्यूचर में आपको वेटरनरी डॉक्टर बनना है तो दोस्तों उसके लिए मार्केट में कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है जो करके आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो डिप्लोमा में आप डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो जो दो साल का होता है या फिर आपने बैचलर इन वेटरनरी साइंस का कोर्स कर लिया है और आपको और फ्यूचर में सीखना है तो दोस्तों आप मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस का कोर्स भी कर सकते हो वो भी दोस्तों दो साल का होता है या फिर दोस्तों आप पीएचडी इन वेटरनरी साइंस कर सकते हो जो दो साल का होता है तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक कोर्स कर लेने के बाद आप एक अच्छे वेटरनरी डॉक्टर बन जाओगे तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का कोर्स कर लेने के बाद हमें किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल होगी तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप वेटरनरी सर्जन वेटरनरी ऑफिसर एनिमल केयर स्पेशलिस्ट सोशल वर्कर एनिमल ब्रीडर एनिमल साइंटिस्ट एंड इस तरीके से कई सारे पोस्ट पर जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो और दोस्तों बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का कोर्स कर लेने के बाद स्टूडेंट साइड बाय साइड जॉब तो करते हैं साथ ही साथ अपना एक पेट का क्लिनिक भी ओपन कर लेते हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कस्टमर गेन करके महीने के लाखों रूप की कमाई वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट कर लेता है तो दोस्तों तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक वेटरनरी डॉक्टर की पर मंथ की सैलरी कितने रूपीज की होती है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एक फ्रेशर वेटरनरी डॉक्टर को पर मंथ चालीस हजार रूपए की सैलरी एज ए फ्रेशर दी जाती है जैसे उसके पास थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उसको पर मंथ अस्सी हजार रूपए की सैलरी दी जाती है और जैसे ही दोस्तों एक वेटरनरी डॉक्टर के पास फाइव ईयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उस पर्सन को किसी भी क्लिनिक में या फिर किसी भी जॉब पर एक लाख बीस हजार रूपए की सैलरी दी जाती है अगर दोस्तों आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे होंगे तो दोस्तों आप साइड बाय साइड अपना पेट का क्लिनिक भी ओपन करके लाखों रूप की कमाई हर महीना कर सकते हो तो दोस्तों जॉब के साथ साथ बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी एक वेटरनरी डॉक्टर को मिल जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ की आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा इस वीडियो को शेयर करके लोगो की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को